समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के जाने माने कदावर नेता और सपा सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके मूलचंद चौहान का पार्टी में धामपुर विधानसभा से टिकट काटकर नूरपुर के मौजूदा विधायक नईमुल हसन को धामपुर से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। जैसे ही इसकी खबर मूलचंद चौहान के समर्थकों को लगी तो दर्जन भर में गाँव के सैकड़ों लोगों ने नईमुल का विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार करते हुए आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली। जी मेरा नाम फैजान अहमद है, दरअसल मैं खुद मोमडन हूँ जबकि टिकट मोमडन का हुआ है, मगर स्थिति देखते हुए विधानसभा की कि धामपुर विधानसभा की स्थिति क्या है, अगर धामपुर विधानसभा कोई सीट जीत सकते हैं तो वो ठाकुर मूलचंद चौहान है, वरना अन्यथा अगर टिकट ठाकुर मूलचंद चौहान जी को नहीं होता है तो सीधे सीधे चौलाई का लड्डू बीजेपी के हाथ में जा रहा है। ठीक है, और इससे ये भी मैं बात बता देता हूँ आपको कि सिर्फ धामपुर विधानसभा सीट ही नहीं, पूरे जिले पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ से, पूरे जिले की 8 की 8 सीट खतरे में है। इसलिए हमारा अनुरोध है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि समाजवादी पार्टी से टिकट ठाकुर मूलचंद चौहान जी को दिया जाए। देखिए, धामपुर विधानसभा पे माननीय ठाकुर मूलचंद चौहान जी ने पूरे 5 साल मेहनत की है और उन्हें इस धामपुर विधानसभा पे हर वर्ग का वोट मिलता नजर आ रहा है। जो ये सीट बीजेपी के पास थी, ठाकुर मूलचंद चौहान जी इसको बिल्कुल एक तरफा जीतने जा रहे थे, लेकिन नईमुल हसन का टिकट होने से जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा है और ये सीट सीधी सीधी बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि यहां से वापसी ठाकुर मूलचंद चौहान जी को हो और वो ये सीट निकालने में कामयाब होंगे, अन्यथा समाजवादी पार्टी को ये सीट खो देनी पड़ेगी अपनी। मैं उदल सिंह चौहान जी पार्टी में विगत 30 वर्षों से सक्रिय हूँ, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए आज मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, पार्टी का 5 साल जिला महासचिव रहा और पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। आज ये टिकट वितरण जिले में हुआ है, माननीय मूलचंद जी का काट कर नईमुल हसन जी को दिया गया है, इसका पूरे धामपुर विधानसभा में भयंकर विरोध है और इन परिस्थितियों में नईमुल हसन साहब चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हो सकता है वो 30 नंबर पर यहाँ से नंबर पर आए, लिहाजा मैं पार्टी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करता हूँ कि माननीय मूलचंद चौहान जी को उनका हक मिलना चाहिए और टिकट